हाय गाइस, वेलकम बैक टू चीकू साक्षी व्लॉग। तो मॉनसून का सीजन है और वीकेंड भी है, तो हमने ये मौका बिल्कुल नहीं छोड़ा और हम यहाँ आ गए। तो हम घर से निकले और लोकल से नेरल स्टेशन तक आए। कोल्ला से नेरल हम लोकल से आए और नेरल से यहाँ माथेरन तक हम कैब से आए। 100 रुपीज़ पर सीट था और जो रास्ते में पूरा व्यू था वो आप एंजॉय कीजिए। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा व्यू। और यहाँ माथेरन का एंट्री पास का टिकट भी हम ले चुके हैं। एडल्ट पर पर्सन 50 रुपीज़ है, जो आई थिंक वर्थ है। तो हम यहाँ से निकल चुके हैं स्टेशन की ओर, जिसका नाम अमन लॉज है। वो करीबन यहाँ से 1 किलोमीटर और है और उसमें कई लोग टांगे पे भी जाते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। और हम आ चुके हैं माथेरन जाने के लिए स्टेशन जो है अमन लॉज। तो ये आ चुकी है हमारी टॉय ट्रेन, जिसके अंदर हमने 2 टिकट्स लिए हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन सेकंड क्लास का। तो यहाँ पे बहुत बारिश है, बहुत ठंड है और इतना अच्छा मौसम है और हम बैठ चुके हैं हमारी ट्रेन में। हम निकल चुके हैं अमन लॉज से, अब हम सीधे मिलते हैं माथेरन स्टेशन पे। तब तक आप सफर का आनंद लीजिए। तो हम पहुंच चुके हैं माथेरन स्टेशन। यहाँ पे बहुत बारिश थी तो हम तुरंत होटल पहुंच गए। होटल पहुंच के हमने तुरंत कपड़े चेंज करे, नज़ारे का आनंद लिया और चाय की चुस्कियाँ ली और फिर हम यहाँ से डायरेक्ट निकल गए घूमने के लिए। तो सबसे पहले हम निकल चुके हैं शार्लोट लेक की तरफ, आप देखें और एंजॉय करें। यहां से जाने का मन तो बिल्कुल नहीं कर रहा था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से हमें फिर दूसरी जगह पे जाना पड़ा। तो हमारा जो दूसरा डेस्टिनेशन था वो था लॉर्ड्स पॉइंट। तो आप इसे एंजॉय कीजिए। हेलो गाइस, हम पहुंच गए हैं लॉर्ड्स पॉइंट और यहाँ पे बहुत ठंड है, बहुत बारिश है, इतना फॉग है, बस ये झरना दिख रहा है पीछे। देख के आपको लग ही गया होगा कितनी बारिश हो रही है यहाँ पे। पूरे भीग चुके हैं और यहाँ पे इसको पता नहीं क्यों मजे आ रहे हैं, मैं पागल हो चुका हूँ बारिश में। हम निकल चुके हैं अब अगले पॉइंट की ओर, जिसे किंग जॉर्ज पॉइंट और एडवर्ड पॉइंट के नाम से जाना जाता है। यहाँ जाने के लिए हमें बहुत ही कठिन रास्तों से जाना पड़ा और हम जब वहाँ पहुंचे तो हम बिलीव नहीं कर पा रहे थे कि ये मुंबई के पास में छोटा हिल स्टेशन माथेरन है। भाई ये क्या जगह
आ चुके हैं इको पॉइंट और यहाँ भी कुछ वैसा ही नज़ारा है। तो भाई ये है, तो भाई ये है माथेरन। मैं सच बोल रहा हूँ दिल से कि मैं कश्मीर घूम चुका हूँ, सिक्किम घूम चुका हूँ, शिमला मनाली सब जगह घूम चुका हूँ, लेकिन भाई दिस इज द प्लेस, दिस इज हेवन। हम अब बहुत थक चुके हैं और अब हम निकल चुके हैं होटल की ओर। आज हमारी किस्मत इतनी अच्छी है कि हमें गणपति विसर्जन में जाने का मौका मिला। थोड़ा अंधेरा हो चुका है और भूख भी लगी है, तो हम घोड़ों पे बैठ के आगे के लिए निकल चुके हैं। खाना बहुत ही टेस्टी था और रात हो चुकी है, तो अब हम चलते हैं हमारे सूट में सोने के लिए। तो दोस्तों, दरवाजा मैं करता हूँ बंद और मैं चलता हूँ सोने। मिलते हैं सुबह। गुड नाइट, गुड मॉर्निंग एवरीवन। बहुत ही सुंदर नज़ारा है यार। अरे मैं आपको अपना रूम दिखाना तो मैं भूल गया। चलो 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 चलो, का सीन है। हम लोग होटल से चेकआउट कर चुके हैं और अब स्टेशन पे आए हैं, माथेरन स्टेशन आ गए हैं। यहाँ से टॉय ट्रेन से जाएंगे अमर लॉज और वहाँ से नेरलम कैब से जाने वाले हैं। सो आई लव माथेरन। और एक्चुअली हमारा वन डे ट्रिप था, बट बहुत बहुत इन्जॉय किया, जितना सोचा उससे ज़्यादा इन्जॉय किया। निकलेंगे, हमारा 8:20 की ट्रेन है, फर्स्ट ट्रेन ही हम ले रहे हैं। मुंबई हम अराउंड 11-12 बजे तक पहुंच जाएंगे घर पर। तो आज हमारा यहाँ सेकंड डे है और यहाँ पे हम आए तो बहुत अच्छी सीनरी है। यहाँ पे कोई व्हीकल्स वगैरह नहीं, कोई पॉल्यूशन नहीं है, कुछ नहीं है। थोड़ा बहुत कचरा शायद मिल जाए तो मिल जाए, लेकिन यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अगर यहाँ आते हैं तो कैश लेके ज़रूर आएँ, क्योंकि बिना कैश के यहाँ पे काम नहीं हो पाएगा, क्योंकि नेटवर्क यहाँ पे है नहीं, सिर्फ वोडाफोन का नेट है, वो भी बहुत थोड़ी थोड़ी देर। तो अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो पहले से कैश लेके चलें। तो दोस्तों, हमें माथेरन कुछ ऐसा दिखा और हम निकल चुके हैं हमारी घर की ओर। तो दोस्तों, आपको कैसा लगा माथेरन, या आप कब माथेरन जा रहे हैं, तो आप ये मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो पसंद आई है तो दबा के लाइक करें और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही एक अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय।